लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई संदीप है, जींद से आए हैं और 9 साल पहले इनके पापा ने इनको बेदखल कर दिया था। उन्होंने 9 साल पहले, हाँ जी, उन्होंने जमीन बेची थी पर जमीन में से इनको कुछ भी हिस्सा नहीं मिला था। इनकी 6.5 किल्ले जमीन थी जी। और फिर ये भाई बहुत टेंशन में थे, बहुत रोते थे और चर्च में से भाई अजैब जी ने इनको विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के बारे में बताया जी। और इन्होंने यहाँ चर्च आना शुरू किया जी। अब एक बार फिर से जो बची हुई जमीन थी वो बेचने पर आ गई और इस बार सब कुछ पलट गया। पहले फैसला इनकी तरफ से नहीं था, इनकी ओर नहीं था 9 साल पहले, और यहाँ पर आते ही फैसला इनकी ओर हो गया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं। आमेन। ऊंची आवाज में बोले, मेरा यीशु कमाल का है, यीशु कमाल का है, जिसके जैसा कोई नहीं है, जिसके जैसा कोई नहीं। देख रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं जिसके जैसा कोई नहीं। ये सच है भैया जी? सर हाँ जी, मसीह की सिस्टर जी, हाँ जी, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। 9 साल पहले मेरे माता पिता ने मेरे को बेदखल कर दिया जमीन जायदाद से, और बेदखल करने के बाद 100-200 किले बेच भी दिए थे। मैंने काफ़ी पंचायतें भी की लेकिन फैसला हर तरफ हर बार मेरे खिलाफ आता था। लेकिन कितनी पंचायतें हुई जब आपका फैसला आपके विरोध में आता था? 5 गांव इकट्ठे हो गए थे अपोस्टल जी, और 5 गांव का यही फैसला था जो इनके खिलाफ था, परंतु जब ये यीशु मसीह 5 गांव, माय गॉड, बहुत होते हैं 5 गांव का मतलब है 5 गांव के सरपंच भी और पब्लिक भी, पंचायत इनके विरोध में होती थी जी। और जिस टाइम ये विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में आने लगे और विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के टावर से प्रेयर करवाने लगे, उसके बाद हालात बदल गए और फैसला इनकी और हो गया, वो जमीन देने के लिए तैयार हो गए। मेरा यीशु है कमाल का, 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 जिसके जैसा कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं। आगे चलो। बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को शांत करता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को शांत कराता, आंधी उसकी बात माने तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, जैसा कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं। आमेन। आमेन। आपको 5 किले 6.5 किले थे, अब मालिक हैं आप? अब 4 किले रहते थे सर, अब भी बेचने की तैयारी में थे वो, लेकिन पिछले संडे में आया था। आपके हिस्से में कितना आया? अब भी 2 किले कुछ है, साथ में है, कुछ आता है। 2 किले इनके हिस्से में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी जगह कोई और होता ना, अब तक कह देता 2 किले हैं, अच्छा फिर कुछ ले आया कि नहीं ले आया? 2 किले भी बहुत है। 2 किले इनके हिस्से में आए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है तो इसलिए, किस किस को मालूम है हमारा चर्च बनने जा रहा है? मेरे लिए नहीं, चर्च के लिए। जो भी आपको अंदर से होता है वो देना जी सर। पक्का? पक्का। आमेन।
किसके लिए देना है? यीशु के लिए। हाँ, चर्च के लिए, मेरे लिए नहीं। जैसे चर्च बन जाएगा उसके बाद आप दो ना दो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि यीशु का चर्च बनना बहुत जरूरी है। और आप सोचिएगा, इतने बैठे हैं वहां हजारों बैठेंगे। आमीन जी। अपोस्तल जी, पहले संसार की पंचायत में इनका केस था, उन्होंने फैसला किया था, तब इनके हक में नहीं होता था। फिर ये चर्च आने शुरू की, इन्होंने चर्च आना शुरू किया विनोद प्रोटियम मिनिस्ट्री में जी। तो ये यीशु ने, यीशु की पंचायत में आए और यीशु ने फैसला इनकी हक का कर दिया। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रार्थना में सामर्थ्य है। प्रार्थना में सामर्थ्य है। आप प्रार्थना करवाएं और यहाँ आते रहें, यीशु आपके लिए बड़े काम करेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ, आप लगातार आओ, यीशु आपको और भी कुछ समस्याएं हैं उनसे आजाद करना चाहता है। क्या ये सच है? सच है सर, बिल्कुल। और भी समस्याएं हैं? सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है सर, पंचायत बैठे से पहले 10 मिनट पहले मैंने प्रेयर करवाई थी और पंचायत लगभग 2 घंटे चली और 2 घंटे में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जो मेरे खिलाफ बोला गया हो। और ये समस्या 2 घंटे मेरे बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा। Praise the Lord, praise the Lord, बोले यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, तभी तो वो चमत्कार करता है। Amen. God bless you, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु के साथ जुड़े रहे। आप काम करते हैं? Sir. दशमास देते हैं? नहीं सर, प्राइवेट टीचर। टीचर है? हाँ जी, प्राइवेट टीचर, सैलरी बहुत कम है। और बाइबल में लिखा जो थोड़े में ईमानदार है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ 5,000 है, कहीं ऐसे हैं जिनकी 6,000 है, मेरे ख्याल से उसकी उससे ज्यादा होगी आपकी। नहीं, कम है सर। उससे कम है? 2,000? नहीं, 6,000 है सर, पे साथ में 2 बच्चे भी है, उनकी फीस वगैरह भी कटती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कलीसिया से पूछ रहा हूँ, जितनी मर्जी तनख्वाह हो दशमांश देना चाहिए या नहीं? ये आपके साथ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में लिखा है विधवा औरत की तनख्वाह थी या नहीं? थी, लेकिन उसने 2 दमड़ी दी। कितनी? 2 दमड़ी। आज के समय के 2 रुपए उस समय का बहुत था, लेकिन उसने दिया। बाइबल कहती है उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ा। अब आपके हाथ में, क्या करना है क्या नहीं करना है। गॉड ब्लेस यू।